गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 के कुछ और क्वेश्चंस। कल हमने क्वेश्चन 1 to 7 कंप्लीट कर लिए थे, आज हम इस एक्सरसाइज को ही कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 8th क्वेश्चन क्या है? राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स एंड फाइंड देयर डिफरेंस। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है तो बहुत ईजी है, फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको लार्जेस्ट नंबर लिखनी है 6 डिजिट की, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इज इक्वल्स टू, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इज इक्वल्स टू 999999। तो ये हो गई आपकी लार्जेस्ट डिजिट, लार्जेस्ट नंबर 6 डिजिट का। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है 7 डिजिट का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे 7 डिजिट्स का, तो वो क्या हो जाएगा 1000000। एक बार काउंट करते हैं क्या ये 7 डिजिट का है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मतलब हमें माइनस करना होगा, अंतर निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर को लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए तो इसका डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 में से 9 गए 1, और भाई डिफरेंस क्या है, इसमें अगर आप 1 ऐड करेंगे तो ये डिजिट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0000000, तो डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपके हैं ट्रू फॉल्स। क्या है ट्रू फॉल्स, तो इसको हम बुक में करेंगे लेकिन समझेंगे पहले, समझते समझते करेंगे। क्या ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो पहले आप ये देखिए, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हुए? बिल्कुल हुए। क्यों नहीं हुए, क्यों भाई, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपके नेचुरल नंबर्स हैं, और होल नंबर्स में भी 1 से लेकर ही आता है, उसमें सिर्फ 0 ऐड हो जाता है। तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हुए? बिल्कुल हुए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। आगे है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं। तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इसको हम करके देखते हैं। पहले हम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर अगर हम लिखेंगे, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है, 1। तो ये रही आपकी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब आप लिखेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो ये रही आपकी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसमें अगर आप 1 को ऐड कर देंगे तो आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आ जाएगा, वो है ना। तो इसका मतलब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो, सॉरी, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर सक्सेसर है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आगे है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो ये 0 तो नहीं होता भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। There is no whole number between 17 and 19. क्या 17 और 19 के बीच में कोई whole number नहीं है? गलत है भाई, 18 है। दो consecutive whole numbers के बीच में कोई भी एक whole number नहीं होता। जैसे कि यहाँ 17, 18 दे रखा होता तो यहाँ पे बिल्कुल true आता। क्यों? क्योंकि 17, 18 के बीच में नहीं है। अगर 18, 19 होता तो नहीं होता, लेकिन 17 और 19 के बीच में whole number है 18। इसका मतलब ये गलत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं क्या 17 और 19 के बीच में कोई होल नंबर नहीं है, गलत बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। 0 इज एनी होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है? बिल्कुल ट्रू। एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रेडिसेसर। क्या हर होल नंबर का प्रेडिसेसर होता है?
पता लगाइए। हर होल नंबर मतलब जीरो से होल नंबर स्टार्ट हुए तो जीरो के पीछे कोई नंबर है जो प्रेडिसेसर बनेगा? नहीं, क्योंकि होल नंबर तो जीरो से ही स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये है फॉल्स। क्या हर होल नंबर का सक्सेसर होता है? हाँ जी, हर होल नंबर का सक्सेसर होता है, क्योंकि अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो सक्सेसर मतलब आगे वाला नंबर, तो जीरो का वन, वन का टू, टू का थ्री, थ्री का फोर, ऐसी इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। इसका मतलब आप क्या समझे, हर होल नंबर का सक्सेसर होता है लेकिन प्रेडिसेसर नहीं होता, और प्रेडिसेसर किस होल नंबर का नहीं होता? जीरो का नहीं होता। आगे, द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज दिस, क्या इस नंबर का सक्सेसर ये है? तो हम ऐसे क्यों तुक्का लगाएं, हम इसमें वन प्लस कर देते हैं, अगर ये आंसर आएगा तो ट्रू, नहीं आएगा तो फॉल्स। तो 210999 में हम वन को प्लस कर देते हैं, 9 और 1 10 9 और 1 10 9 और 1 10 21। तो क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ट्रू फॉल्स समझ में आया आपको? आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर अप टू 100? 100 तक कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 100 तक जाते हैं, तो कितने नेचुरल नंबर्स हो गए 100 तक? 100 नेचुरल नंबर्स हो गए। तो आंसर क्या आएगा, देयर आर 100 नेचुरल नंबर्स अप टू 100। आगे है, राइट डाउन द 4 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स, द स्मॉलेस्ट बींग 7999। अब आपको क्या लिखने हैं, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स लिखने हैं आगे 4। इस कॉन्जिक्यूटिव मतलब आगे का, पड़ोसी वाला, और सबसे छोटा कौन सा होना चाहिए? 7999 होना चाहिए। चलिए तो इस आंसर को करते हैं भाई। तो आंसर नंबर 11 कैसे होगा, यहाँ लिखिए, द 4 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स आर, कौन से हुए, एक तो 7999 उन्होंने बोला है सबसे छोटा होना चाहिए, तो हमें आगे के निकालने हैं, तो इसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया इसके आगे वाला नंबर, 8000, और इसके आगे वाला 8001, इसके आगे वाला 8002। ठीक है, तो ये हैं आपके 4 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, राइट डाउन द 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स जस्ट प्रिसीडिंग 19000। अब आपको क्या लिखना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स लिखने हैं जिसके आगे बढ़ के 19000 आए। तो आप ये आंसर कैसे करेंगे, यहाँ लिखिए आंसर नंबर 12, तो यहाँ पे क्या लिखा था, द थ्री कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर आर, आपका कौन सा दे रखा है 19000, तो हमें इससे पीछे जाना है, तो क्या बन जाएगा 18999, फिर बन जाएगा 18998। देखिए 18998 प्लस 1 18999 प्लस 1 19000, तो ऐसे निकलते हैं आपके प्रिसीडिंग होल नंबर्स। आगे है, टेक एनी नंबर बिटवीन 1 and 10 एंड राइट इट यूजिंग 3 डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमरल्स। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, आपको कोई भी एक नंबर लेना है 1 से 10 के बीच में, और उसको आपको 3 अलग अलग तरीके के न्यूमरल्स में लिखना है। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगी। विच कंटेन्स मोर, किसके पास ज़्यादा है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और द सेट ऑफ होल नंबर्स। जो सेट ऑफ मतलब जितने भी होल नंबर्स होते हैं और नेचुरल नंबर्स होते हैं, किस में सबसे ज़्यादा नंबर्स होते हैं, बाय हाउ मच। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, तो कौन से नंबर ज़्यादा हुए, कौन से सेट ज़्यादा हुए, होल नंबर ज़्यादा हुए, कितने नंबर से ज़्यादा हुआ, 1 नंबर से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आंसर नंबर 13 में बच्चों, आंसर नंबर 13 में है कि हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ होल नंबर्स
इज़ इक्वल्स टू 0, 1, 2 और ये इन्फिनिटी तक गया। अब यहाँ लिखेंगे हम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 और ये गया इन्फिनिटी तक। ठीक है, कौन सा सेट ज़्यादा है? होल नंबर्स का ज़्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस द सेट ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स मोर नंबर्स। अब वो कह रहे हैं बाय हाउ मच, बाय 1। कितने से ज़्यादा है होल नंबर? 1 से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर नंबर 14 था ये जो मैंने आपको कराया है। तो अब मैंने आपको आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कराया है और ये आपकी एक्सरसाइज होती है आज कंप्लीट। इसमें आपको ट्रू फॉल्स यहाँ बुक पे ही करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी पे करने हैं। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।